हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं उमेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ्स पर। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 20 फरवरी में तीनों शिफ्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट में जो भी केवीएस के क्वेश्चन आए हैं, और इसमें आज हमारे पास जीएस का भी इंक्लूड हो गया है, इंग्लिश का भी है, मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो तीनों शिफ्ट के एक बार जरा जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ हेल्पफुल हो सके और आप पेपर में जाने से पहले उनको देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है वो भी क्लिक कर लीजिए, आगे आने वाले जो भी पेपर्स होंगे उनकी भी अपडेट आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, मॉर्निंग शिफ्ट का पहले देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर वन है, ध्रुव तारा एसोसिएटेड विद विच डायरेक्शन, बताना है ध्रुव तारा कौन सी दिशा से संबंधित है। इसका आंसर था नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। सेकंड क्वेश्चन प्रो कबड्डी लीग से आया था, प्रो कबड्डी लीग स्टार्टेड एट, बताना था कि प्रो कबड्डी लीग कब से स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर था 2014, और ये शुरू की थी चारू शर्मा जी ने, और 2017 के इनके विनर रहे थे पटना पायरेट्स। क्वेश्चन नंबर तीन देख लेते हैं, चार्ल्स डार्विन एसोसिएटेड विद, बताना था कि चार्ल्स डार्विन किस चीज़ से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया था, और ये एक बायोलॉजिस्ट थे। इसका आंसर होगा बायोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर चार में हमें बताना था इंडियाज फर्स्ट सिटी एसी ट्रेन रन इन, बताना था कि भारत की पहली उपनगरीय एसी ट्रेन कहाँ चली। आंसर था मुंबई। क्वेश्चन नंबर फाइव था, हु डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज फ्रॉम दी फॉलोइंग, हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे फ्रेंड्स, और उनमें से हमें बताना था कि किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला, और ऑप्शंस में था होमी जहांगीर बाबा भी। तो आंसर यही होगा, क्योंकि इनको अभी तक किसी भी चीज़ के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बैलेंसिंग बैलेंस बजट, हमें बताना था कि संतुलित बजट क्या होता है। आंसर होगा रिवेन्यू इज इक्वल टू जब एक्सपेंडिचर हो जाए, कहने का मतलब जो चीज़ हम गेन करते हैं वही हमारे खर्चे के बराबर हो जाए, तो उसे हम बैलेंसिंग बजट कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था सेवंथ क्वेश्चन, हु बैग्स थर्ड ICCR, और ICCR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो बताना था कि ये जो अवार्ड है ये डिस्टिंग्विश आइडियोलॉजिस्ट अवार्ड, ठीक है, ये किसे दिया गया है। तो आंसर था प्रोफेसर हिरोशी मरुई ऑफ जापान, ये प्रोफेसर हिरोशी मरुईस थे जो कि जापान के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं, डुबलिंग एसोसिएटेड विद विच स्टेट, बताना था कि जो डुबलिंग वर्ड है वो कौन से खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स, आंसर होगा बास्केटबॉल। और फ्रेंड्स, मैं कहूँ आपको ये वर्ड्स ना रट के जाने हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि गोल्फ का भी पूछा गया था, बोगी पूछा गया था कि बोगी कौन से खेल से एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर था गोल्फ, ठीक है। सो एक बार ये सारी चीज़ें देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, विच कमेटी गिव्स रिकमेंडेशन फॉर आरबीआई, आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई। आंसर था हिल्टन यांग कमेटी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर टेन, ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व ऑन, बताना था कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर था 14 जून। 11th देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट हैव बाउंड्री विद नेपाल, बताना था कौन सी जो भारत का कौन सा राज्य है ऐसा जो नेपाल के साथ बाउंड्री नहीं, सीमा नहीं मिलाता है। आंसर था आसाम। उसमें कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस गिवन थे हमारे पास चार, तो बाकी मिला रहे थे, आसाम उसमें से गलत था। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप 2017 स्टार्टेड इन, बताना था कि स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप 2017 कहां पर शुरू किया गया। आंसर था स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेज यूज्ड इन दिल्ली सल्तनत, बताना था दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी। आंसर था फारसी। क्वेश्चन नंबर 14, विच माइनॉरिटी कम्युनिटी एडिड इन 2014, बताना था 2017 में किस अल्पसंख्यक को शामिल किया गया। आंसर था जैन कम्युनिटी। देखते हैं अगले क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अब है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस। इंग्लिश सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं। एंटोनिम बताना था कॉन्डेमन का, कॉन्डेमन का एंटोनिम क्या होता है। सो इसका मतलब होता है निंदा करना, तो प्रेज करना, एडोर करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। हॉरेबल का एंटोनिम बताना था, हॉरेबल का मतलब होता है डरावना, ठीक है। सो इसका अपीज करना या फिर पैसिफाई करना, इसका एंटोनिम हो सकता है। सो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा डरावना बहुत इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं होगा। सिनोनिम बताना था
कोरेशन का, कोरेशन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, तो इसका फ्रीनेस हो सकता है कि फ्री छोड़ देना एकदम, ठीक है। सो वो भी ऑप्शंस पे डिपेंड है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें हमसे पूछा गया था, वन हु ऑफ वन चेंज हिज माइंड, कि जिसका हमें उसका वन वर्ड बताना था इसके लिए कि जो अपना माइंड हर टाइम चेंज करता रहता हो, आप फिकल माइंडेड कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन वर्ड हमारे पास आया था इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कि इलीगल अगर हम बाहर आयात निर्यात करते हैं गुड्स का तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको मैं कहूँ, आप क्या कह सकते हैं बताइए, स्मगलिंग इसे शायद कहा जा सकता है अगर ऑप्शंस में गिवन था। और फ्रेंड्स पैसेज आया था बहुत इजी पैसेज था, 5 से 6 क्वेश्चंस पैसेज में थे, ईडीएम से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 3 एरर मेकिंग के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बहुत ही इजी बताए जा रहे हैं। 1 PQRS आया था और इंग्लिश का पेपर इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं, सेकंड शिफ्ट का क्या रहा, 24th, ये जीएस के क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था 24th मार्च नोन एज, बताना था 24 मार्च किस नाम से जाना जाता है या क्या मनाया जाता है। सो ये था टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस दिवस, और ये आपको पता ही है टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम वॉन बाय राफेल नडाल एंड रोजर फेडर, बताना था कि राफेल नडाल और रोजर फेडर ने कितने ग्रैंड स्लैम इस साल में जीते हैं। आंसर था दो दो, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा किसके ने जीता है। PIO मीटिंग हेल्ड इन, बताना था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन की जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये होती है, सो ये कहाँ पर हुई थी, आंसर था न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 हु गॉट नोबेल प्राइज़, नॉट साइंटिस्ट, हमें बताना था कि जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें से जो नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है बट वो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, आंसर था अमृत सेन। देखते हैं अगले क्वेश्चंस, इसमें 5th क्वेश्चन था फ्रेंड हु इज़ इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के खोजकर्ता कौन है। सो टेलीग्राफ के खोजकर्ता है सैमुअल मॉरिस, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी प्लेयर इन बास्केटबॉल, बताना था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कितने टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 5, और मैं एक बार इसकी आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए किसी भी स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ प्लेयर जो भी होते हैं ये मैंने आपके लिए एक लिया है गूगल से, सो आप ये भी चेक कर लीजिएगा। बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में 18 होते हैं। सो फ्रेंड्स ये लिस्ट देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक से, लेकिन याद करके जरूर जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस में हमें बताना था कि फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई की विस्तृत रूप क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी इसका विस्तृत रूप है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 था फुल फॉर्म ऑफ NEGP, और NEGP का विस्तृत रूप क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मैनी स्टेट एंड यूटी टचेज विद यूपी, बताना था उत्तर प्रदेश कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, उसकी बाउंड्री एक्चुअली, ठीक है। सो इसका आंसर था 8 स्टेट, 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब 1 केंद्र शासित प्रदेश। इनकी लिस्ट भी देख लीजिए कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, और 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्रिस्टल अवार्ड 2017 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के द्वारा दिया जाता है वो इंडिया में किसे दिया गया, सो फ्रेंड्स ये दिया गया शाहरुख खान जी को। क्वेश्चन नंबर 11 MP की संसद में कितने दिनों के अनुपस्थिति पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है, सो फ्रेंड्स आंसर था 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आंसर था 9 जनवरी, और सॉरी ये 2003 मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है, जो प्रधान हमारे महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और उन्हीं के उससे वो चीज़ मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, डैश नॉट रिलेटेड टू प्रो कबड्डी लीग, ऑप्शन हमें कुछ गिवन थे 4 ऑप्शंस, और उनमें से बताना था कि कौन सा प्रो कबड्डी लीग से संबंधित नहीं है, तो ये ATK प्रो कबड्डी लीग से संबंधित नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस, हमारे पास अब थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस में इंग्लिश के पहले सेक्शन देख लेते हैं। एंटोनिम पूछा गया था कवर्डली का, और इसका एंटोनिम होगा फियरलेसली। एक स्पेलिंग एरर था और उसमें ट्यूशन की स्पेलिंग दी गई थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें से करेक्ट हमें बताना था। हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी में विलोम शब्द पूछा गया था साक्षर का, जिसका विलोम शब्द होगा निरक्षर।
पर्यायवाची शब्द आकाश, आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम। समास पूछा गया था भाई और बहन में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स इसमें मेरे हिसाब से द्वंद्व समास यूज होगा, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था संधि विच्छेद बताना था नमस्कार का, तो नमः प्लस कार इसका ठीक आंसर होगा। जीए के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब हुई थी एस्टेब्लिशमेंट इसकी, तो ये आंसर था 1961। द रोलेट एक्ट कम इन बताना था रोलेट एक्ट इंडिया में कब आया था, सो आंसर था 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कैन अलो फ्लो ऑफ करंट, कि मतलब जो करंट का फ्लो है उसे जो पास होने देता है उसे क्या कहते हैं, आंसर होगा कंडक्टर, और जो पास नहीं होने देता उसे कहते हैं इंसुलेटर, और जो थोड़ा पास होने दे और थोड़ा रोक ले उसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। सो ये भी आपको जो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC जिसे हम बोलते हैं विल हेल्ड इन 2020 इन, बताना है कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल काउंसिल 2020 की कहाँ पर होगी, सो ये होगी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक रोट बाय कौटिल्य, बताना था कि गिवन ऑप्शंस में से कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है, तो आंसर होगा अर्थशास्त्र। देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या था इसमें, और फ्रेंड्स इसमें हमारे पास मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख के जाइएगा, और 5-6 क्वेश्चंस हैं आप उस तरीके के तैयार कीजिएगा बिल्कुल, और इजी क्वेश्चंस है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हम आपको थोड़ा सा बता भी देंगे। चलिए इसमें जीए में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वट यूज्ड इन दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, बताना था कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, सो ये की गई थी IC चिप, या मैं कहूँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, हमें इनको बढ़ते क्रम में बताना था कि इनके साइज के अकॉर्डिंग गिवन ऑप्शंस में से इन्हीं को रैंडमली रखा गया था या पजल उसमें रखा गया था, तो सही जो क्रम था वो था AC सबसे छोटा है, मतलब IC, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब, और मैं बताऊँ वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन जो आई थी उसमें यूज़ की जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज़ यूज टू इन्फेक्ट आ कंप्यूटर, एक इन्फेक्ट कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर क्या चीज़ कर सकती है, सो ये होते हैं आपको पता है वायरसेस होते हैं जिन्हें हम मालवेयर बोले जाते हैं, ठीक है, मालवेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर वर्क ऑन विच रूल्स, कंप्यूटर जिन रूल्स पे आधारित होता है उन्हें क्या कहते हैं, सो आपको पता ही होगा कि इसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क, बताना था कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो दो अलग अलग नेटवर्क हो, एक्चुअली ये जो हमारे इंटरनेट नेटवर्क है उनकी बात की जा रही है, उन नेटवर्क्स को कंबाइंड की जा कर सकते हैं या उन दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आंसर होगा स्विच। मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। टू आर्टिकल्स सोल्ड एट सेम प्राइस, वन एट 25% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस, तो फ्रेंड्स इसका आप सोल्यूशन भी देख लीजिए। देखो ये आप अगर फॉर्मूला बेस करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 एक्स इंटू प्लस 100 प्लस वाई, देखिए ये यहाँ पे भी 100 अपॉन में 100 प्लस एक्स आएगा, ठीक है, ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 100x मान के भी किया जा सकता है बहुत इजीली, कोई इशू नहीं होगा, एलिगेशन से भी इसे किया जाता है, आप देख लीजिएगा एक बार। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के इंक्लूडेड हैं, अब देख लीजिए जो भी हैं, ठीक है। 8000 पर 10% ब्याज की दर पर 1 वर्ष 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही दे है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ कि 8000 हमारा जो है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% हमारा रेट है, टाइम है हमारा 1.5 ईयर, और हमें CI पर इंटरेस्ट बताना है जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें टाइम डबल हो जाता है, आपको पता है उसमें 6-6 महीने के अकॉर्डिंग काउंट होने लगता है, और जो रेट है वो हमारी हाफ हो जाती है, मैं 5% लूँगा, 8000 का 5% हो जाएगा 400, और 400 कहने का मतलब हमें 6 महीने में मिलेगा, ठीक है, और इसमें तीन में डिवाइड हो जाएगा, ये तीन टाइम में, मतलब टाइम डेढ़ से तीन हो जाएगा, तो 400 प्लस 400 प्लस 400 तो स्टार्टिंग का हो गया, और फिर बात करें आगे जो 400 के 400 के साथ प्लस होगा, कि फर्स्ट 400 के साथ जो अगले 400 में ऐड होगा वो क्या होगा, 400 प्लस 400 प्लस ऊपर जो 400 हमने दिया उसका भी इंटरेस्ट लगेगा 5%, और वो कितना हो जाएगा 20, ठीक है।
सो ऐसे अगले में 40 एंड फिर वहां पे 5, ये आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एबीसी किसी काम को 24, 26 और 30 दिन में पूरा करता है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये शायद एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, इसमें डिजिट थोड़ी चेंज थी लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल सेम रही है, ये भी आप देख लीजिएगा। पूरा करते हैं 6 दिन बाद ए चला जाता है, शेष काम बी सी करते हैं, फिर 11 दिन बाद बी चला जाता है, शेष काम सी करता है, पूरा काम कितने दिनों में होगा, है ना। और दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बाकी दो क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन सर्कल से आया था कि 70 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से दो व्यक्ति एक साथ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चाल से चलते हैं, दोनों एक साथ कितने सेकंड बाद मिलेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको रेडियस दी गई है और जो इंसान चलेगा वो उसके सरकमफ्रेंस पे राउंड करेगा, तो आप यहाँ से सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप इनकी इस टोटल सरकमफ्रेंस मतलब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और उसको टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप करेंगे तो आपको टाइम गेट हो जाएगा, आप यहाँ से बिल्कुल इजीली टाइम निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, दो एक ही मूल्य पर खरीदी गए वस्तुओं एक को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप अच्छे से पेपर करके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।